बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आईएमएफ के मुआहिदे और पाकिस्तान की माशियत पर इनके असरात। हमारे चैनल में खुश आमदीद। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के हालिया मुआहिदों और इनके हमारी माशियत पर असर। आईएमएफ मुआहिदे का तारुफ। बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड या आईएमएफ एक आलमी मालियाती इदारा है जो रुकन ममालिक को माली इमदाद और मशवरे फराहम करता है। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी मौशियत को मुस्तहकम करने के लिए आईएमएफ के साथ कई मुआहदे किए हैं, लेकिन ये क्या करें, मुआहदे शामिल हैं और वो हम पर कैसे असरअंदाज होते हैं। मुआहदे की शराइत और ज़वाबित की खराबी। मालियाती इस्लाहात, साहती एडजस्टमेंट, मालियाती पॉलिसियाँ, ज़र मुबादला की पॉलिसियाँ, अफरात ज़र, रोजगार और अवामी खिदमात पर असरात, सब्सिडी कम होने और टैक्सों में इजाफे के साथ जिंदगी की लागत में इजाफा मुतवक्के है, जरूरी अशिया और खिदमात को मुतासिर करना, मुलाजमत, अवामी खिदमात, मुस्तकबिल के मुमकिना मंजरनामे और हकूमती रदे अमल। तो मुस्तकबिल क्या है? पुर उम्मीद मंजरनामा, मायूसी का मंजर, अदम इस्तेहकाम और अवामी अदम इत्मीनान। आईएमएफ के मुआहदे जहां हम अहम चैलेंजेस पेश करते हैं, वहीं वो एक रास्ता भी पेश करते हैं तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम के लिए। हकूमत के लिए इस्लाहात के नाफिज में तवाजन रखना बहुत जरूरी है। आबादी के सबसे ज्यादा मुतासरा तबकात के तहफ्फुज़ के लिए इकदामात। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ईगल टीवी।